कर्नाटक स्टेट में भक्तों व अंधे भक्तों की पार्टी बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेस पार्टी लीडर्स के हुए हौसले बुलंद और अब तेलंगाना स्टेट में भी कांग्रेस पार्टी का सितारा चमकाने की कोशिश की जा रही है और यहां के असेंबली इलेक्शन में 80+ सीट्स जीतने का भी दावा किया जा रहा है। जी हां, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट व मल्लिकार्जुगिरी के एमपी रेवंत रेड्डी ने खुले अल्फाज में मौजूदा गवर्नमेंट बीआरएस और इसके चीफ केसीआर को ओपन चैलेंज भी कर दिया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों की पार्टी है और हमेशा से ही गरीब लोगों के साथ रही है। बीआरएस और भक्तों व अंधे भक्तों की पार्टी यानी बीजेपी बड़े बड़े लोगों के लिए काम करती है, मगर कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। इसलिए बीआरएस व बीजेपी को हराकर कांग्रेस पार्टी यहां तेलंगाना में अपनी हुकूमत कायम करेगी। अगर सच में ऐसा हो जाता है तो समझो कि कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सेपरेट तेलंगाना देने वाली कांग्रेस पार्टी ही है। मगर अब तक भी तेलंगाना स्टेट में हुए दो बार के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने कोई खास बैटिंग नहीं की। और फिर खास बात तो ये भी है कि इसके कुछ एमएलएज और एमएलसी इस पावर की खातिर बीआरएस में जंप भी कर दिए थे, मगर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट में होने वाले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के साथ बीआरएस को भी हराने का दावा कर रहे हैं, जो बहुत ही हार्ड और टफ काम है, क्योंकि बीआरएस की कमान केसीआर साहब के हाथ में है और फिर केसीआर साहब पॉलिटिकली तो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, जो अब तक भी बीजेपी जैसी पार्टी को कंट्रोल में रखे हुए हैं। हाँ, ये बात और है कि तेलंगाना में से बीजेपी का सफाया बहुत ही आसानी से हो सकता है, क्योंकि बीजेपी वालों के पास सिर्फ और सिर्फ नफरत की ही पॉलिटिक्स खेली जाती है और फिर ये लोग चाय में पानी कम के बराबर है। फिर भी इस पर तेलंगाना की आवाम की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना और साथ में रेवंत रेड्डी का बयान भी एक बार जरूर सुन लेना। नहीं नहीं, आप कर्नाटक सही तरीका से नहीं देखा, शायद वहां पर भी तीन पार्टी का चुनाव लड़े। JDS पहले 37 सीट्स था, KCR के साथ जोड़ने के बाद 19 हो गए। उनका गलती है किसी के साथ जोड़ना, तो इसीलिए जैसा वहां पर थ्री कॉर्नर फाइट हुआ था, यहां पर भी वही होने वाले। कांग्रेस पार्टी के एब्सोल्यूट 80+ सीट्स मिलने वाले हैं। ये यहां के एजेंडा सिंपल, ज्यादा सोचने का नहीं है। गरीब और अमीर के बीच में इस चुनाव होने वाले हैं। गरीबों के तरफ से कांग्रेस पार्टी लड़ेगा, अमीरों के तरफ से KCR और बीजेपी। कॉन्ट्रैक्टर्स के तरफ से बीजेपी आ जाएगा, जो पूरा कमीशन देने वाले के तरफ से TRS आएगा। तो हम लोग, गरीबी हमारा मुद्दा है। जैसा कर्नाटक में हम लोग जो पांच अभय हस्तम जो बात बोले ना, वही बात यहाँ पर लागू करने वाले। हम पहले किसान का डिक्लेरेशन कर दिए, प्रियंका जी परसों यूथ डिक्लेरेशन कर दिए, आने वाले दिनों में OBC डिक्लेरेशन करने वाले, उसके आगे महिला डिक्लेरेशन होने वाले, उसके बाद SC ST माइनॉरिटी का डिक्लेरेशन होने वाले। ये पांच मुद्दा लेकर गरीब लोगों के तरफ से कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनाव लड़ेगा। गरीब गरीब के खिलाफ अमीर, अमीर के तरफ से बीजेपी BRS रहेगा, गरीब के तरफ से कांग्रेस पार्टी रहेगा। तब तो मैं गवाह नहीं था, मुझे तो पता नहीं। अगर मैं गवाह रहा तो जरूर। हाँ हाँ, तो आप AICC का बात कह रहे हैं, प्रदेश के बारे में आप पूछ रहा नहीं। AICC के बारे में पूछे तो AICC के नेता दिखाना है। वो तो राजनीति है, ये तेलंगाना है। शर्मिला जी आंध्र प्रदेश के नेता है, आंध्र प्रदेश में कुछ बात कहना है, रुद्र राजू जी वहाँ के अध्यक्ष है, वहाँ से बातचीत होगी। तेलंगाना में तो मैं तेलंगाना के अध्यक्ष हूँ। शर्मिला जी का जो आंध्र प्रदेश में लगातार उनके परिवार का और पार्टी का जो कुछ भी है आंध्र प्रदेश में चर्चा होना है, अगर होना है तो रुद्र राजू जी इसके जवाब दिए तो सही रहेगा। पर्वालेदु गानी।